ये है जी क्वेश्चन, स्टूडेंट्स ये टॉपिक है एसिड बेस इक्विलिब्रिया। उसमें हमने जो पास पेपर आज करने हैं बफर सॉल्यूशन के, केएसपी, केपीसी, पीएच, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों ने सेंड किया है वो है ये बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ बफर सॉल्यूशन इज टू बी मेड बाय यूजिंग 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर एथेनोइक एसिड, और आपको पता है ना बफर सॉल्यूशन वीक एसिड और उसके सॉल्ट का मिक्सचर होता है, और 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एथेनोएट, ठीक है। आपने एथेनोइक एसिड और सोडियम एथेनोएट को बेटा यूज करके बफर सॉल्यूशन बनाना है। कैलकुलेट द नियरेस्ट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच सॉल्यूशन दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ बफर सॉल्यूशन विद पीएच। दिस क्वेश्चन उसका ये है कि आपने टोटल 100 क्यूबिक सेंटीमीटर बफर सॉल्यूशन बनाना है और उस बफर सॉल्यूशन की पीएच कितनी होनी चाहिए, 5.50। 100 क्यूबिक सेंटीमीटर बफर सॉल्यूशन, उसकी पीएच 5.50, और उसमें एसिड होना चाहिए एथेनोइक एसिड और इस कंसेंट्रेशन का, और सॉल्ट सोडियम एथेनोएट होना चाहिए इस कंसेंट्रेशन का 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर का। बताओ आप कितना कितना वॉल्यूम ऐड करोगे ताकि पीएच 5 का सॉल्यूशन बन जाए। तो अच्छा खासा जो है ना ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपको क्या क्या स्टेप्स करने। क्वेश्चन जरा फिर समझ लें, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको 100 क्यूबिक सेंटीमीटर बफर सॉल्यूशन बनाना है, पीएच इसकी क्या होनी चाहिए 5.50, और इसमें इस कंसेंट्रेशन का एसिड और इस कंसेंट्रेशन का सॉल्ट आप ऐड करेंगे। आपने बेसिकली ये बताना है कितना वॉल्यूम एसिड का कितना वॉल्यूम सॉल्ट का आप ऐड करेंगे तो टोटल इस पीएच का बफर बने। देखें आपको मैंने ये बताया था कि जब भी बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना तो आपने वो के ए वाला एक्सप्रेशन लाजमी यूज करना है बेटा, के ए वाला। के ए वाला एक्सप्रेशन कैसे बनता है जरा देखिएगा। ये आपका वीक एसिड है बेटा, ये माइक ऑफ कर दें शाबाश, जिन जिन बच्चों के माइक ऑन है उसको ऑफ कर दें बेटा। ये CH3COOH, CH3COO-, और ये H+, अच्छा ये बेटा एसिड है, और इसका सॉल्ट देखें CH3COONA, इट गिव्स CH3COO- और Na+। याद है ना बेटा, मैंने आपको जितने भी बफर के सॉल्यूशन के क्वेश्चन कराए इसी तरीके से करवाता था कि ये इसमें बेटा, ये इसमें जो है ना, ये इसके अंदर सॉल्ट है, दिस पार्ट इज कमिंग फ्रॉम सॉल्ट, दिस इज द वीक एसिड, ठीक है। तो के ए का एक्सप्रेशन हम ऐसे लिखते थे, के ए इज इक्वल टू, के ए का एक्सप्रेशन रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होगा ना जो ऊपर है, तो CH3COO- H+ और अनआयोनाइज एसिड, ये है जी के ए का एक्सप्रेशन। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया बेटा वो सिर्फ ये सुन लें कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि आपने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर बफर सॉल्यूशन बनाना है जिसकी पीएच 5.5 हो, तो बताओ कितना एसिड ऐड होगा कितना सॉल्ट ऐड होगा। अब बेटा देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ कितना एसिड और कितना सॉल्ट ऐड होगा, मतलब ये सॉल्ट है ये एसिड है, ये आपने बताना है। आप क्या करो इस के ए के एक्सप्रेशन में के ए की वैल्यू पुट करो, के ए की वैल्यू गिवन है भाई, ये देखो एच आइन, पीएच गिवन है तो उससे एच आई निकल आएंगे राइट। तो आप जरा जल्दी से पीएच 5.50, एक सॉल्यूशन की अगर पीएच 5.5 है तो उसमें एच आई कितने होंगे, बड़े आसानी से आप बेटा निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखो पहला स्टेप, मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर के ए की वैल्यू पुट करूंगा और मैं इस एक्सप्रेशन में एच आई की वैल्यू पुट करूंगा, ये है पहला स्टेप। तो एच आई कैसे निकलेंगे, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आई, और पीएच बेटा आपके पास आ रहा है 5.50। अच्छा अब देखें माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आई। अब बेटा यहां पर आप देखेंगे कि
एच आयन निकालना है, माइनस लॉग है, तो हम क्या करते थे, एंटी लॉग लेते थे, ठीक है। पहले मैं माइनस साइन उधर ले जाता हूँ, माइनस 5.50 इज इक्वल टू लॉग ऑफ एच आयन, और फिर बेटा आप एंटी लॉग ले लें, लिखने की जरूरत नहीं होती, कैलकुलेटर पे ले लें आप, बस शिफ्ट और लॉग का बटन प्रेस करें। जब एंटी लॉग लेंगे तो लॉग इस साइड से तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो अब आप ये करें बेटा, कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन प्रेस करें, लॉग का बटन प्रेस करें, एंटी लॉग हो जाएगा, और 10^-5.5 कर दें तो आपके पास आ जाएगा 3.16। एच आइन आपके पास आ गया 3.16 × 10^-6। ये बेटा एच आइन। अब आप इस तरह करोगे, अब आप बेटा इस तरह करोगे कि इस एच आइन की वैल्यू को, ये एच आइन यहाँ पुट करोगे, ये के ए जो है ना बेटा वो यहाँ पुट करोगे, और आपके पास सॉल्ट और एसिड की रेशियो तो आ जाएगी ना, के ए के एक्सप्रेशन से सॉल्ट और एसिड की रेशियो पहले निकालोगे। ये देखो के ए कितना है, मैं के ए की वैल्यू इस पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना, डायरेक्ट। तो के ए है आपके पास 1.79 × 10^-5, और आगे सॉल्ट बेटा ऐसी है, पढ़ेगी जो CH3COOH- है ना, ये सॉल्ट, या इसको आप बेस भी कह सकते हो, इसको बेस भी कह सकते हो ना भाई, क्योंकि इट एक्सेप्ट द प्रोटॉन, तो मैं इसको इन शॉर्ट बी लिख देता हूँ। और एच आइन मेरे पास गिवन है 3.16 × 10^-6, और नीचे बेटा ये एसिड है, ये एसिड है ना, तो इसको बस ए लिख देता हूँ ऐसे करके। आप कहेंगे एसिड की वैल्यू, तो भाई एसिड और सॉल्ट तो हमने बताना है ना कितना कितना वॉल्यूम होना चाहिए। अब अगले स्टेप में बेटा ये करो कि ये जो 3.16 है ना, इसको यहाँ आके डिवाइड कर दो केस, तो ये हो जाएगा 1.79 × 10^-5। अच्छा बेटा, डिवाइडेड बाय 3.16 × 10^-6, और ये बेस या मतलब सॉल्ट और एसिड, इसको बेटा आप लोग डिवाइड कर दो, 1.79 × 10^-5 डिवाइडेड बाय 3.16 × 10^-6, तो आंसर आ रहा है आपके पास बेस और एसिड का, बेस और एसिड इज इक्वल टू 5.66। अच्छा बेटा, अब आपके पास रेशियो आ गई है 5.66/1, मतलब ये रेशियो है ना। अब इस तरह करते हैं, वो कह रहे जी कि टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ये बताएं टोटल वॉल्यूम होना कितना चाहिए भाई, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब ए प्लस बी जो है ना, अच्छा ए प्लस बी जो है ना आपके पास, ए प्लस बी मतलब ए स्टैंड फॉर एसिड, बी स्टैंड फॉर बेस मतलब नेगेटिव पार्ट, ये जो सॉल्ट से आ रहा है ना, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस या सॉल्ट, ये टोटल होना चाहिए 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब बेटा देखो, ए प्लस बी टोटल तो आपको पता है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर होना चाहिए, तो आप इसमें बी की वैल्यू निकाल लो, कैसे, बी इज इक्वल टू 5.66, और ए को इधर ले जाओ अगर, तो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये मैंने क्या किया बेटा, मैंने b की वैल्यू निकालनी थी ना, तो 5.66 से a को मल्टीप्लाई किया तो b की वैल्यू आ गई ना, b की क्या वैल्यू आई है, कोई बच्चा बताएगा b की वैल्यू क्या आ रही है इधर, 5.66a, तो इस वैल्यू को मैं इस b की जगह पुट कर दूंगा, जो b की वैल्यू है ना 5.66a, तो मैं इसको यहां पुट करता हूं, देखना a प्लस 5.602 a is equal to 100 cubic centimeter, but a 5.66 or a 1a, ye aapke paas aa jayega 6.66 a is equal to 100, to ye a stands for acid, 6.66, kya answer aa raha hai ji, isko solve kare zara, 15.02, yes, to 15 cubic centimeter acid ka volume hona chahiye, to agar beta acid 15 cubic centimeter aa raha hai to salt kitna hoga, 100 में से 50 माइनस कर दें, 85 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये तो है एक तरीका भाई, इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, तो मैंने अलजेब्रा की मेथड यूज करके आपको बता दिया, इसके और भी बहुत सारे मेथड है करने के, ठीक है, इसके और ये मेथड है बेटा करने के आप इसको ऐसे भी कर सकते हो के
अब जरा एक और तरीका देखिए, अच्छा बेटा एक मिनट सिर्फ आप मुझे देंगे। अच्छा जिन बच्चों को, बाज बच्चों को ये मेथड जो है ना अगर पसंद नहीं आ रहा तो ये देखें, जिन बच्चों को ये मेथड पसंद नहीं आया ना वो ये कर ले सेकंड वे। ये यहां तक तो क्लियर है ना भाई, ये रेशियो मतलब टोटल आपके पास अगर देखो 5.66 पार्ट किसके हैं, बेस के हैं, और 1 पार्ट किसका है, एसिड का है। इसका ये मतलब है ना 5.66 पार्ट्स सॉल्ट के होंगे और 1 पार्ट एसिड का होगा, ये रेशियो है। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, अगर आप देखो टोटल पार्ट्स जो है ना वो बन रहे हैं 6.66, उसमें से सॉल्ट कितना है 5.66, ये टोटल है, इस टोटल में से सॉल्ट इतना डिजोल्व हो रहा ठीक है। तो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर हो, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में सॉल्ट कितना होगा, एक्स होगा। बट इसको फिर समझ लो। अच्छा बाज बच्चे इससे भी कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे मैसेज जो आप लोग व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, भाई ये रेशियो है, ये रेशियो है ना, इस रेशियो में आप, मैंने आपको बताया था जब रेशियो होती है तो यूनिट्स मैटर नहीं करती, यूनिट्स कट डाउन हो जाती हैं। जब रेशियो होती है तो यूनिट्स मैटर नहीं करती, रेशियो तो रेशियो में यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाती हैं, ठीक है। तो आप इसको जिस तरह मर्जी रीड आउट कर सकते हो। तो मैं इसको एक और तरीका ये बता रहा हूँ कि आपके पास टोटल पार्ट्स हैं 5.66 और 1, तो इस दोनों को ऐड करें ना 6.66, तो अगर 6.66 क्यूबिक सेंटीमीटर हो ना आपके पास, तो सॉल्ट का कितना वॉल्यूम होगा 5.66 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अगर आपके पास 100 क्यूबिक सेंटीमीटर हो तो फिर सॉल्ट कितना होगा, एक्स होगा। यहां से जरा सॉल्ट निकाल लो, 100 टाइम्स 5.66 डिवाइडेड बाय 6.66, 6.66 इसको सॉल्व करो, जरा सॉल्ट कितना वॉल्यूम बता रहा 84.9 है, 84.9। सर, तो ये एटी देखो फोर सॉल्ट, यस, तो ये सॉल्ट का वॉल्यूम भी आपके पास आ गया 85.85 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो आप इसमें जो मर्जी मेथड यूज करो। एक और तरीका भी है, लेकिन वो आप अगर ये फॉर्मूला, अगर आप इससे बचना चाहते हो इस के ए के फॉर्मूला से, तो आपको मैंने बताया था बफर सॉल्यूशन की पीएच निकालने के लिए एक और फॉर्मूला भी है, वो ये है पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अवर एसिड, ये फॉर्मूला भी है भाई। सॉल्ट अवर एसिड, पीएच गिवन है, वो पुट कर दोगे, के ए गिवन है ना, के ए गिवन है बेटा, उसका नेगेटिव लॉग ले लो, पी के ए आ जाएगा, पीएच भी गिवन है, ठीक है। तो इससे भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं सबको के ए के एक्सप्रेशन से ही करवाता हूँ, तो आप बेटा इसी मेथड को फॉलो करेंगे। अच्छा अब आगे आ जाए जल्दी से नेक्स्ट पार्ट पर, बेटा उम्मीद है समझ आ गया होगा, बताएं जी। यस यस सर। अच्छा अब देखें, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब वो ये कह रहा है कि अगर आप इस बफर में HCl ऐड करते हैं, HCl, HCl ऐड अगर आप करते हैं, ये देखिए ये आपका बफर है, अगर आप बेटा इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे मतलब एच आइन, तो कौन एक्टिवेट होगा बोले, कौन सा पार्ट एक्टिवेट होने एथनोएट वाला, फिर एथनोएट बेस आयन उससे रिएक्शन सॉल्ट्स। करेगा। तो अब बस यहां लिखोगे इस तरह करके CH3 COO- H+, इट गिव्स CH3 COOH, ये प्रोटोनेशन कर देनी है, एथनोएट आयन की प्रोटोनेशन कर दो बस, ठीक है, एथनोएट आयन की आपने प्रोटोनेशन करनी है। अच्छा आयोनिक इक्वेगन उसने, आप इस तरह भी लिख सकते हैं पूरी इक्वेगन, अगर आपने पूरी इक्वेगन लिखनी है ना, तो बेटा इस तरह भी लिख सकते हो कि असल में ये जो एथनोएट आयन है ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम एसिड, वो चाह रहा है कि आप अगर HCl के साथ कोई बच्चा रिएक्शन लिखता है, इस तरह भी लिख सकते हो CH3 COO Na, ठीक है, ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव ना, तो इसका जब HCl से रिएक्शन होगा तो ये
NaCl बन जाएगा, CH3, COOH और NaCl, ये भी लिख सकते हो। क्योंकि देखो एथनोएट आयन इज कमिंग फ्रॉम सॉल्ट ना, एथनोएट आयन सॉल्ट से आ रहा है, तो अगर आपने पूरी इक्वेशन लिखनी है, तो आयोनिक इक्वेशन है ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज आयोनिक। अगर आपने आयोनिक इक्वेशन नहीं लिखनी, नॉर्मल इक्वेशन लिखनी है, तो फिर आप पूरी इक्वेशन ऐसे लिखोगे कि सॉल्ट, सॉल्ट के अंदर ये नेगेटिव पार्ट जो है ना, दिस इज द बेस, सॉल्ट में ये जो नेगेटिव पार्ट है CH3COO-, ये बेस है, तो ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा, H आयन एक्सेप्ट कर लेगा और Na और ये Cl आप इसमें सॉल्ट बना दे। इसी तरीके से जो आपके पास दूसरा है बेटा, कह रहा है कि अगर आप इस बफर सॉल्यूशन के अंदर NaOH डालते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्शन करेगा, इस अनआयोनाइज एथनोइक एसिड से रिएक्शन करेगा, ठीक है, CH3 यस COOH प्लस NaOH। ये Na क्या करेगा जी, इस H को रिप्लेस करेगा, ठीक है, Na इस H यस को रिप्लेस करेगा और आपके पास CH3CONa और साथ में वाटर। अगर आयनिक इक्वेशन लिखना चाहते हो तो ऐसे होगी, देखो CH3COOH, NaOH से OH माइनस जो आ रहा है, ये H आयन इसको निकाल लेगा यहां से, तो CH3COO- और ये वाटर। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये वर्कशीट में नहीं था। हाँ ये बेटा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, जो केपीसी से रिलेटेड है, पार्टीशन कोएफिशिएंट। आप लोग जरा इस क्वेश्चन को एक दफा पढ़ें। ये क्वेश्चन सब बच्चों ने किया है बेटा? जिन बच्चों ने मुझे नहीं भेजा उन सबसे हो गया या नहीं हुआ? जिन बच्चों ने मुझे ये क्वेश्चन नहीं भेजा क्या उनसे हो गया था? नो हाँ जी सर, बेटा जी, नो सर, ये आप लोगों ने किया ही नहीं है बेटा, ये बताएं। लेकिन मैंने ट्राई की थी, हुआ नहीं है। ओके नहीं आधा पार्ट हुआ था बस। सर, इसका आधा पार्ट हुआ, आधा पार्ट नहीं हुआ सर इसका, इसमें ओके कैलकुलेशन में ओके जरा था। बेटा, अभी कर लेते हैं। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन को जरा रीड करते हैं। कह रहे कि इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन कैन डिसॉल्व बोथ इन वाटर एंड इन ऑक्टेन वन ओल, द एक्सप्रेशन एंड न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ इथॉक्सी इथेन। अच्छा, इसमें सॉल्वेंट ये दोनों है, आपको ना ये पहले डिस्टिंग्विश करना होता है, इसमें सॉल्वेंट कौन सा, सॉल्यूट कौन सा बेटा। तो जो इसमें सॉल्वेंट है ये वाटर और ऑक्टेन वन ओल आर दी सॉल्वेंट, और सॉल्यूट ये है, इथॉक्सी इथेन इज दी सॉल्यूट, और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा दो सॉल्वेंट्स के दरमियान, मतलब वाटर और ऑक्टेन वन ओल में, राइट। इस सॉल्यूट ने डिस्ट्रीब्यूट होना है वाटर में और ऑक्टेन वन ओल में। तो देखें आगे, उसने फॉर्मूला नीचे बताया हुआ है, पार्टीशन कॉफिशियन यही होता है ना कि जब एक सॉल्यूट दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स में डिजोल्व होता है, तो केपीसी कंसेंट्रेशन ऑफ इथॉक्सी इथेन इन ऑक्टेन वन ओल डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ इथॉक्सी इथेन इन वाटर इज दिस। ज्यादा किसमें डिजॉल्व हो रहा है बताइएगा जी, ज्यादा किसमें डिजॉल्व हो रहा है? हाँ जी बेटा, ऑक्टेन ऑक्टेन वन वन ओल ओल में 6.7 टाइम्स ज्यादा डिजॉल्व हो रहा है एज कंपेयर टू वाटर। में, ये यस इस तरह ही है बेटा, क्योंकि नेक्स्ट के लिए मुझे डायग्राम मैं यहीं पर बना देता हूँ फिलहाल। बेटा आप ये जो वैल्यूज निकालते हो ना, ये आप निकालते हो पार्टीशन कॉफिशिएंट के डेफिनेशन क्या बताएगी, कि रेशो, इट इज द रेशो ऑफ सॉल्यूट व्हिच डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स या सॉल्वेंट्स एट इक्विलिब्रियम। आप इक्विलिब्रियम पर ये देखते हो कि सॉल्यूट कितना वाटर में डिजॉल्व हुआ, कितना ऑक्टेन वन ओल में डिजॉल्व हुआ, एट इक्विलिब्रियम, है ना, एट इक्विलिब्रियम। आपको याद है मैंने आपको इस तरह की एक डायग्राम बनाकर बताई थी कि इसमें यस सर, जितना सॉल्यूट नीचे से ऊपर जा रहा होगा उतना ऊपर से नीचे आ रहा होगा, इसको कहते हैं एट इक्विलिब्रियम। अब
यहाँ कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑक्टेन वन ओल एट 20 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ इथॉक्सी इथेन इन वाटर. मतलब आप इतना समझ लो बेटा, ये आपका था इथॉक्सी इथेन इन वाटर, और आपने इसके अंदर ऊपर से डाला बेटा ये ऑक्टेन वन ओल, ये ऑक्टेन है ठीक है, और आपने जब ऊपर डाला तो मिक्सर इज एनालाइज इमीडिएटली, मिक्सर को ना जल्दी से एनालाइज कर लिया गया एंड अ वैल्यू ऑफ केपीसी इज कैलकुलेटेड. द कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड करेक्टली, द वैल्यू कैलकुलेटेड इज 5.625. हालांकि आनी क्या चाहिए थी भाई वैल्यू 6.760 और उसकी क्या आ रही है 5.625. अब देखें यहां पर एक जो वर्ड उसने यूज किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला The mixture is analyzed immediately. मतलब उसने जो कैलकुलेशन की ना बेटा, मैंने आपको आपसे कहा था जब भी आप सेकेंड सॉल्वेंट ऐड करते हैं ना, इस तरह आपने ऑक्टेन ऊपर से ऐड किया तो आप इसको शेक करोगे, शेक करने के बाद आप इस सेपरेटिंग फनल को स्टैंड के ऊपर लगा दोगे और वेट करोगे जब तक के दोबारा दो लेयर्स ना बन जाएं और इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए. जब दो लेयर्स बन जाएंगी, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, देन यू विल कैलकुलेट कि कितना इथॉक्सी इथेन किस लेयर में है. अब इसने क्या किया है भाई, ये जो स्टूडेंट है कह रहा है इसने मिक्सचर इज एनालाइज इमीडिएटली, मतलब उसने ऊपर से ऑक्टेन डाला, ऑक्टेन डालने के बाद शेक किया और बस फौरन ही कैलकुलेशन शुरू कर दी. तो वैल्यू ऑफ केपीसी इज कैलकुलेटेड, द कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड करेक्टली, लेकिन द वैल्यू कैलकुलेटेड इज 5.625. कह रहा है व्हाई द वैल्यू कैलकुलेटेड इज लेस, बट क्यों लेस होगा, क्योंकि सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम पर आया ही नहीं है, आपने इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन को आने ही नहीं दिया, मतलब जल्दी से कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया ना. मतलब ये उसका मतलब है बेटा कि अभी जो नीचे इथॉक्सी इथेन था ना, इसने भी ऊपर आना था, इथॉक्सी इथेन ने अभी मजीद ऊपर इथर में आना था, लेकिन आपने कैलकुलेशन पहले कर ली तो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ. अच्छा एक बात तो ये कि आपका आंसर इसलिए गलत आ रहा है कि इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ, दूसरी बात ये बतानी है कि ये आपकी वैल्यू जो है ये कम क्यों आ रही है. ये कम इसलिए आ रही है बेटा कि अभी वाटर के अंदर इथॉक्सी इथेन ज्यादा था ठीक है, और ऑक्टेन वन ओल में कम किया था. तो देखो ना आप अगर एक कम वाली वैल्यू को बिगर वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आंसर तो कम आएगा आपका, तो आंसर आपका 5.625 आ रहा है. तो आपने दो चीजें यहाँ पर बतानी है, रिएक्शन जो है बेटा, एक तो आपने बताना है कि इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंचा, कि इक्विलिब्रियम नॉट बीइंग एस्टेब्लिश, इक्विलिब्रियम बेटा एस्टेब्लिश नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम रीच नहीं किया अभी, और वैल्यू कम क्यों आ रही है, क्योंकि आपने जो कैलकुलेशन की ना, आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो कंसेंट्रेशन है इथॉक्सी इथेन की वाटर में वो ज्यादा है, वाटर में इथॉक्सी इथेन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और ऑक्टेन वन ओल में कम है, तो जारी बात है बिगर फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर कम आएगा. तो आप बताओगे कंसेंट्रेशन ऑफ इथॉक्सी इथेन इन वाटर इज वेरी हाई, कंसेंट्रेशन ऑफ इथॉक्सी इथेन इन वाटर इज हाई, ये हो गया जी. अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट पर, कह रहे कि A second experiment is performed and the value of KPC is found to be 6.76. The concentration of ethoxy ethane in octane 1 or layer is this. देखो जी उसने आपको concentration बता दी है. वैसे जो KPC के question होते थे आप याद करें उसमें तो हम concentration खुद निकालते थे ना, तो यहाँ तो concentration given है. कह रहा है कि ethoxy ethane में एक और experiment हुआ जिसमें KPC भी given है और इथॉक्सी इथेन की कंसेंट्रेशन भी गिवन है. तो आपने पता क्या करना है, देखिए बड़ा आसान है आपके लिए, आपको बेटा ये करना है कि वैल्यू सारी दी हुई है, सिर्फ एक नहीं दी हुई, केपीसी इज गिवन, बेटा ये देखो ये केपीसी गिवन है कितना है 6.76, इथॉक्सी इथेन इन ऑक्टेन वन ओल भी गिवन है, कंसेंट्रेशन उसने बताई हुई है,
कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन इन ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये नहीं गिवन, तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है ना भाई। तो केपीसी की क्या वैल्यू है, ये लिखी हुई है 6.76 इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ इथॉक्सी इथेन इन ऑक्टेन वन ओल, कितना आ रहा है 7.62 डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ इथॉक्सी इथेन इन वाटर, कितना आ रहा है, ये एक्स आ रहा है, एक्स को उधर ले जाओ नेक्स्ट स्टेप में, एक्स इज इक्वल टू 7.62 डिवाइडेड बाय 6.760 1.127 या 1.13 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये तो बेटा आसान था, अब आगे चलते हैं इसी का नेक्स्ट। कह रहे कि 100 क्यूबिक सेंट, अच्छा ये बात जरा देखो, ये जो आपने कंसेंट्रेशन निकाली है ना ये 1000 में, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने ग्राम्स आ रहे हैं जी, 7.62। जो ऑक्टेन वन ओल की लेयर है ना भाई, जो ऑक्टेन वन ओल की लेयर है उसमें इथॉक्सी इथेन कितना है इन क्वेश्चन, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में आ रहा है 7.62। अब वो पता क्या कह रहा है, कह रहा है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑक्टेन वन ओल लेयर इज टेकन, मतलब इस तरह समझ लो ये था जी वाटर, इसमें आ रहा है 1.13 ग्राम, ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर है, मैं आसानी के लिए लिखता हूं इन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। और बेटा ये जो आपका आ रहा है ये ऑक्टेन है, इसमें कह रहे जी 7.62 ग्राम्स इन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। नीचे वाले क्वेश्चन में देखिए इसमें से कितना निकाल रहे भाई, 100 इस ऑक्टेन वन ओल लेयर से 100 निकाल रहे, 1000 नहीं। ये जो 7.62 ग्राम आपने बताया है ना ये तो 1000 में है, तो अगर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर 7.62 ग्राम्स आ रहा है तो वो कह रहा है इफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑक्टेन वन ओल लेयर इज टेकन, अगर आप ऊपर से 100 क्यूबिक सेंटीमीटर निकालते हैं, पहले तो ये देखिए ना इसमें इथॉक्सी इथेन आएगा कितना, फिर आगे चलते हैं। तो 1000 में 7.62 आ रहा है, 100 में कितना आएगा, तो x इज इक्वल टू 100 टाइम्स 7.62 डिवाइडेड बाय 1000, 0.762। यस, तो बेटा ये आपके पास आ रहा है जी 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑक्टेन में आपके पास 0.762 ग्राम्स आ रहा है। इसको वो कहते हैं जी आप शेक करें विद 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर के साथ, तो कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट इन मोल ऑफ इथॉक्सी इथेन दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड इनटू वाटर। ये है जी, अब मैं आपको डायग्राम दोबारा बना कर देता हूं। ये जी आपके पास आ गया 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्टेन, इसमें 0.762 था और ये है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर। केपीसी गिवन है भाई, आपको पता है ना कि ये जितने कांस्टेंट होते हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो केपीसी तो वही रहेगा 6.760, केपीसी सेम रहेगा, केपीसी इज ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब उसका क्वेश्चन ये है कि कितना इथॉक्सी इथेन 0.762 ग्राम में से किस में जाएगा, वाटर में जाएगा। तो बेटा याद है आपको लास्ट टाइम जो क्वेश्चन करवाया था वो इसी तरीके से तो करवाया था, इसमें कंसंट्रेशन का फॉर्मूला ओपन हो रहा था, जरा देखिएगा मैं आपको दोबारा बताता हूँ कैसे। ये देखिएगा जी केपीसी का जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला देखो मैं इसको यहीं पर आपको पहले बता देता हूँ, इसको जरा मजीद ओपन करें ना बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ इथॉक्सी इथेन इन ऑक्टेन वन ओल, इसको जरा मजीद ओपन करें। पर इसको ओपन करें ना क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ इथॉक्सी इथेन इन ऑक्टेन वन ओल, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब,
देख लें हाँ, क्योंकि जो वॉल्यूम उसने यूज किया, आप आपकी मर्जी होती है, जो सा मर्जी यूनिट यूज करें। मैंने आपको बताया था मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, लेकिन हमारा वॉल्यूम हमने किस में लिया हुआ बेटा, क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो आप ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ले लें। तो आप इसका फॉर्मूला ये बनाएंगे कंसेंट्रेशन का, मैं यहां लिख देता हूं, मैस ऑफ इथॉक्सी इथेन इन ऑक्टेन वन ऑल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्टेन वन। याद है बेटा ये क्वेश्चन हम मैंने आपको कराए भी है इस टाइप के। फिर नीचे वाले का फॉर्मूला ओपन करेंगे बेटा, नीचे वाले का कंसेंट्रेशन ऑफ इथॉक्सी इथेन इन वाटर, इसका फॉर्मूला। मजीद क्यों फॉर्मूला हम ओपन कर रहे हैं, इसलिए भाई कि हमें मैस चाहिए, हमें मैस चाहिए, इसलिए आप कंसेंट्रेशन ऑफ इथॉक्सी इथेन इन वाटर इसका फॉर्मूला भी ओपन करेंगे कि मैस ऑफ इथॉक्सी इथेन इन वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये फॉर्मूला बेटा मैं नीचे लिखने जा रहा हूं यहां पर, केपीसी इज इक्वल टू मैस ऑफ इथॉक्सी इथेन इन ऑक्टेन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्टेन। और बेटा आपको पता है ना फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ठीक है ना। यस सर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और डिवाइडेड बाय मास ऑफ इथॉक्सी इथेन इन वाटर। बट आप देख सकते हैं केपीसी इज गिवन भाई, केपीसी गिवन है 6.760, 6.760 मास ऑफ इथॉक्सी इथेन इन ऑक्टेन। बड़ा ये मास ऑफ इथॉक्सी इथेन इन ऑक्टेन कितना रह जाएगा, जरा गेस करें ना। ऐसे इनिशियली ऑक्टेन में था 0.760। जी बेटा इनिशियली ऑक्टेन में था 0.760, तो अब कितना रह जाएगा एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर कितना रह जाएगा बेटा, 0.002। नहीं भाई नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। कौन बच्चा बताएगा कि इक्विलिब्रियम पर, सॉरी स्टार्टिंग में ऑक्टेन में जो इथॉक्सी इथेन था ना वो 0.762 था, वो कह रहा है इक्विलिब्रियम पर कितना होगा। क्या हम ये नहीं कहेंगे बेटा, एज्यूम नहीं करेंगे कि जब आप इसको शेक करेंगे विद वाटर, जब इसको वाटर के साथ शेक करेंगे तो 0.762 ग्राम में से कुछ इथॉक्सी इथेन वाटर में जाएगा, दैट इज एक्स, जो कि एक्स होगा। तो फिर ऊपर कितना रह जाएगा, फिर ऊपर कितना रह जाएगा, 0.7 यस, ऊपर रह जाएगा 0.762 माइनस एक्स, 0.762 माइनस एक्स, और नीचे कितना होगा भाई, एक्स। तो ये बेटा आपके पास यहां पर, अच्छा मुझे यहां पर बेटा आपको ये फॉर्मूला ओपन करने की जरूरत नहीं है मेरा ख्याल, बिल्कुल भी, ऐसे ही आपको आंसर मिल जाएगा, आपको फॉर्मूला ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपसे ये तो नहीं पूछ रहा ना कि कितना मैस जा रहा है, बताएं, ये पूछ रहा है कितना मैस जा रहा है, नहीं नो नहीं सर। तो आप बेटा इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो जो केपीसी का फॉर्मूला है ना ऊपर, कंसेंट्रेशन ऑफ C2H5O C2H5 इन ऑक्टेन वन ओल, यहां अगर मैं लिखूं के 0.762 माइनस एक्स और नीचे लिखूं एक्स, और यहां पर बेटा ये मेरे पास केपीसी है, जरा करो ना शाबाश, 0.762 माइनस एक्स, अवर एक्स इज इक्वल टू 6.760, ये फॉर्मूला बेटा डायरेक्ट लग जाएगा यहां पर, ये देखो ना केपीसी इज गिवन इस तरह है ना, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ऑक्टेन में डिवाइडेड बाय concentration of solute in water, KPC is given 6.760, और आपने बेटा यहां पर concentration of solute in octane कितना रह गया, 0.760 minus x, और water में कितना गया x, water में कितना गया x, तो यहां से आप बेटा x की वैल्यू निकाल लो, शाबाश, जल्दी से मुझे बताएं x की क्या वैल्यू आ रही है बेटा, 0.098 जी, x बेटा ये
6.760x 0.760 माइनस एक्स. ये माइनस एक्स को उस साइड पर ले जाएं तो 1x प्लस 1x हो जाएगा. फिर आप x की वैल्यू जो निकालेंगे वो आपके पास बेटा आ रहा है, ये जिस बच्चे ने बताया बिल्कुल ठीक बताया है, 0.098. ये किस यूनिट में आ रहा है पहले ये बताओ, ग्राम्स. क्योंकि देखो ना आपने ऊपर ग्राम्स में लिया हुआ था ना 7.62 फिर 0.762, ये ग्राम्स. ये आपके पास ग्राम्स में आया भाई, ये इथॉक्सी इथेन के ग्राम्स आ गए हैं. मोल निकालना है इसका, मोल निकालो भाई. शाबाश सर, एमआर से डिवाइड कर दें. एमआर से डिवाइड कर दोगे, एमआर से डिवाइड करो. तो देखो बेटा इस तरह के क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला भी ओपन नहीं करना, ठीक है, आपको सिंपल यहां पर मोल बताना. अब मैस ऑफ इथॉक्सी इथेन जीरो पॉइंट जीरो नाइन एट और एम आर ऑफ C2H5 O C2H5. आप इसका एम आर निकाल लो, क्या आ रहा है 74. अब मोल्स निकालने हैं. 1.32 × 10⁻⁴ मोल इज इक्वल टू मैस ओवर एम आर 0.098 डिवाइडेड बाय 74. ये आ रहा है बेटा आपके पास 0.0013 मोल्स. इतने मोल्स हैं जो आपके ऑक्टेन से वाटर में गए हैं. अच्छा अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये केएसपी से रिलेटेड है, इसको जल्दी से मेरा ख्याल है कर ले, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम होगा. जरा सब बच्चे करें, ये तो हो गया होगा आप लोगों से. एक दो बच्चों के मैसेज आए मुझे, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम फॉर्मूला ओपन करके करते हैं ये क्वेश्चन तो बताएं फिर क्या आंसर आएगा. बेटा दोनों वॉल्यूम्स कितने हैं बताओ, 100 देखोगे आंसर सेम आएगा. इसलिए अगर आपको मेथड पसंद है उसी तरीके से करो, ठीक है. अभी यहाँ पर आ जाएंगे इस क्वेश्चन पर. एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड टू नाइट्रेट इज मिक्स्ड विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड. A yellow precipitate of lead 2 iodide is formed. बेटा इसका रिएक्शन मैं लिख देता हूँ आपको. लेड टू नाइट्रेट है PbNO3 होल ट्वाइस और ये एक्वस वाटर सॉल्युबल है, राइट. इसको आप मिक्स कर रहे हैं सोडियम आयोडाइड 2 मोल्स ऑफ NaI के साथ. इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑफ PbI2 सॉलिड और क्या बन रहा है जी, सोडियम नाइट्रेट बन रहा है 2NaNO3 एक्वस. अब देखो बेटा इसमें कह रहे के लेड टू नाइट्रेट को जब मिक्स किया सोडियम आयोडाइड के साथ येलो प्रेसिपिटेट इसके बने, इसके येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे येलो पीपीटी और इसको आपने फिल्टर कर लिया और लीविंग द सॉल्यूशन एक्स, ये सॉल्यूशन एक्स है. द कंसेंट्रेशन ऑफ, अब PbI2 की बात हो रही है और KSP की बात हो रही है बेटा, तो जो सॉलिड है ना उसकी जरा आप इक्वेशन लिखे ना, PbI2 सॉलिड, ये जब वाटर में जाएगा तो ये आयोनाइज होगा PB2 प्लस N2I-. देखिए उसने आपको ना यहां पर कंसेंट्रेशन बताई, कंसेंट्रेशन ऑफ लेड टू आयंस इन सॉल्यूशन एक्स इज दिस एंड कंसेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन इन सॉल्यूशन एक्स इज दिस, ठीक है. यूज द डेटा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KSP. देखो बेटा उसने कंसेंट्रेशन आपको खुद बताई है, वैसे आपको खुद करनी पड़ती थी ना क्वेश्चन. जनरली इस तरह का होता था कि इतना लेड आयोडाइड डिजोल्व हुआ तो हम कहते थे अच्छा इतना डिजोल्व हुआ है अगर 0.5 तो 0.5 लेड आयन बनेंगे और 1 मोल आयोडाइड आयन बनेंगे उसका डबल. यहां पर कंसेंट्रेशन आर गिवन तो आपको कोई रेशियो पर जाने की जरूरत नहीं है, दोनों की कंसेंट्रेशन उसने आपको बताई हुई है, लेड की भी बताई है. कह रहा है कंसेंट्रेशन ऑफ लेड आयन, जरी बात है आपने यहाँ बेटा फिल्टर आउट करके ना उसको वाटर में डिसॉल्व क्या होगा तब वो कंसेंट्रेशन बता रहा होगा. लेड आयन की कंसेंट्रेशन है 5.68 × 10⁻³ और कंसेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन इज 4.20 × 10⁴. अब आप KSP का एक्सप्रेशन लिखो, KSP का एक्सप्रेशन ऊपर वाली इक्वेशन को देख के, तो ये बनेगा
और इसका स्केयर। KSP इज इक्वल टू लेड आयन की कंसेंट्रेशन कितनी आ रही है 5.68 टाइम्स 10 रेस टू पावर माइनस 3, और आयोडाइड आयन की जो भी आएगी उसका स्केयर ले लो भाई, इसका स्केयर ले लो, इसको आप अब जरा मल्टीप्लाई करें और बेटा आंसर निकाल लें। मल्टीप्लाई करना है 4.2 टाइम्स 10 रेस टू पावर माइनस 4 का होल स्केयर है भाई, तो 1 into 10 raised to power minus 9 माइनस 9 आर। और बेटा ये देखो स्केयर ब्रैकेट तीन दफा है, एक दफा लेड आयन के लिए, दो आयोडाइड आयन के लिए, ईच स्केयर ब्रैकेट का मतलब होता है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, तो तीन दफा है तो ये मोल क्यूब और टीएम माइनस 9 होगा। अच्छा अब आगे चले इस क्वेश्चन पर, कह रहे जी कि पोटेशियम आयोडाइड इज वेरी सॉल्युबल इन वाटर, जाहिर बात है ग्रुप 1 के सॉल्ट्स हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाट इज सीन इफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैचुरेटेड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन एक्स। बेटा सॉल्यूशन एक्स आपके पास ये है, देखें दिस इज द सॉल्यूशन एक्स जो कि लेड आयन, आयोडाइड आयन और लेड सॉलिड, लेड आयोडाइड सॉलिड के दरमियान जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है, दिस इज द सॉल्यूशन एक्स। अब आपसे वो ये कह रहा है, ये है ना Pb2 plus PbI2 solid, it gives Pb2 plus N2I minus। पर आप यहां से, आप याद है मैंने आपके टॉपिक पढ़ाया था कॉमन आयन इफेक्ट, याद है बेटा या नहीं? जी सर, कॉमन आयन इफेक्ट। यहां पर वो कह रहे जी पोटेशियम आयोडाइड ऐड करो, जब आप पोटेशियम आयोडाइड बेटा ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो के प्लस और आई माइनस, तो आयोडाइड आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ गई ना, तो आयोडाइड आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड एंड मोर सॉलिड, मोर PbI2 इज फॉर्मड। और पोटेशियम आयोडाइड के बारे में उसने ऊपर बताया हुआ है कि पोटेशियम आयोडाइड जो है वो येलो कलर का सॉलिड है, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड टू आयोडाइड, सॉरी लेड टू आयोडाइड, तो लेड टू आयोडाइड ज्यादा बनेंगे, तो येलो कलर का सॉलिड बनेगा। देखो नीचे लिखा हुआ है येलो प्रेसिपिटेट, येलो सॉलिड इज फॉर्मड, क्यों? कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। देखो बेटा एक बात और सुन लो, आपको ये बात भी बताई गई थी कि ये जो PbI2 है ना, मतलब इस केस में इसकी जो KSP की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 1.0 टाइम्स 10 रेस्ट टू पावर माइनस 9, 1.0 टाइम्स 10 रेस्ट टू पावर माइनस 9, ये KSP की वैल्यू है। और ये इक्विलिब्रियम पर है, मतलब ये है कि लेड आयोडाइड मैक्सिमम इतना डिसॉल्व हो सकता है, लेड आयोडाइड मैक्सिमम इतना डिसॉल्व हो सकता है एट इक्विलिब्रियम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन आप अगर बाहर से आयोडाइड आयन बढ़ा रहे हो तो आपने बेसिकली क्या किया, केएसपी बढ़ाने की कोशिश की ना, आपने केएसपी की वैल्यू को इससे एक्सीड करने की कोशिश की 1.0 टाइम्स इन रेस्ट टू पावर माइनस 9 से, जो के इक्विलिब्रियम कभी भी अलाउ नहीं करेगा, कभी भी लेड आयोडाइड और उसके आयंस के दरमियान जो इक्विलिब्रियम है वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आप बाहर से आयोडाइड आयन बढ़ा रहे हो, इसका मतलब है कि आप केएसपी हैज बीन एक्सीडेड, जो कि पॉसिबल नहीं है, अलाउ नहीं है, इसलिए रिएक्शन फौरन बैकवर्ड जाएगा ताकि जो एक्स्ट्रा आयोडाइड आयन आपने ऐड किया है वो कम हो सके। ठीक है, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन हो गया, अब आगे चलते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें काफी ज्यादा चीजें थी जो सीखने वाली थी। अच्छा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 मुझे अभी स्टूडेंट ने सेंड किया था क्लास से थोड़ी देर पहले, पहले वो कर लेते हैं, छोटा सा है, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। ये जी, ये ऐसे बच्चे हैं जिनसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये वाला नहीं सर हो गया। बड़ा बाकी बच्चे बताएं जरा, ये सबसे हो गया, ये क्वेश्चन हो गया था, जी सर हो गया था, जी सर। मेरा जिस बच्चे ने मुझे सेंड किया था उससे भी हो गया, या उसको कर एक बच्चे ने मुझे सेंड किया था, मुझे वो बता दें हो गया आपसे भी या कर दूं? अच्छा चलें, ये बेटा ये एक क्वेश्चन है, ये मुझे दो दो बच्चों ने सेंड किया हुआ है, ये बताएं कि हमने पहले डिस्कस तो नहीं किया बेटा ये क्वेश्चन?
नहीं सर, नहीं डिस्कस किया, आप लोगों ने नहीं किया है पहले बेटा ये वाला क्वेश्चन? डिस्कस नहीं किया था। आप लोगों ने किया है, हुआ है आप लोगों से ये क्वेश्चन या नहीं हुआ? यस सर हो गया था। जी सर हो गया था। नहीं सर डिस्कस किया है हमने वाला सर हुआ, क्वेश्चन। ये हुआ बेटा, ये पार्ट भी इसका आगे। यस सर, यस सर, ये वाला यस भी सर। पार्ट। सर ऊपर वाला पार्ट करवा दूँ इसी का, अच्छा ठीक क्वेश्चन 11 का। है, ठीक है बेटा। देखें ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कह रहा है कि सॉल्यूशन वाई इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सॉल्यूशन जी इज फोर क्लोरोब्यूटानोइक एसिड। ये उसका फॉर्मूला दिया हुआ उसने, फोर क्लोरोब्यूटानोइक एसिड का। और जो फोर क्लोरोब्यूटानोइक एसिड है ना, उसके पी के ए की वैल्यू दी हुई है। मतलब याद रखें, जब भी के ए और पी के ए की बातें हो रही हो तो समझ जाओ वो एसिड वीक है, ठीक है। और यस एचसीएल के बारे में देखो, कभी के ए आपने नहीं सुना, पी के ए नहीं सुना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो दोनों में सिमिलरिटी ये है बेटा कि पीएच दोनों सॉल्यूशन की क्या है, फोर है। पीएच ऑफ बोथ सॉल्यूशन इज फोर। सॉल्यूशन वाई आपका एचसीएल है, सॉल्यूशन जी आपका फोर क्लोरोब्यूटानोइक एसिड है। पी के ए ऑफ फोर क्लोरोब्यूटानोइक एसिड इज गिवन, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर फोर क्लोरोब्यूटानोइक एसिड। सीएल CH2 तीन दफा है, देखो CH2 तीन दफा है। CL CH2 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 C OO- और H+। के ए का एक्सप्रेशन लिखना है जी इसके लिए हमने। ये आया HICl CH2 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 COOH, ये जी। अब वो कह रहे जी राइट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप के ए एंड पी के ए। मैंने आपको ये बात बताई है कि केमिस्ट्री में पी का मतलब होता है नेगेटिव लॉग। तो अगर पी के ए कह रहे हैं ना, पी के ए इसका मतलब है नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। पी के ए कह रहे हैं तो इसका मतलब होगा नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। अच्छा अब वो कह रहे जी कि कैलकुलेट द एच आइन कंसेंट्रेशन ऑफ एच आइन, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हुई है, कंसेंट्रेशन ऑफ एच आइन इन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर इन सॉल्यूशन वाई एंड जी। बेटा ये बहुत आसान बात है, बच्चे इसको समझते नहीं है क्वेश्चन को। पीएच उसने बताई हुई है ना दोनों सॉल्यूशन की, दोनों सॉल्यूशन की पीएच 4 है। तो आपने बेसिकली पीएच का फॉर्मूला लगाना है, वहां पर एंटी लॉग लेना, एच आइन आ जाएगा। देखो सर लेकिन पीएच पीएच वाला जो फॉर्मूला था वो तो यूज होता है फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड ना, नहीं, अदरवाइज तो ये के किसने कहा? एक्सप्रेशन। नो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये किसने कहा है? आपको अगर एच आइन की कंसेंट्रेशन पता है भाई, जब आप वीक एसिड के लिए करते थे, वीक एसिड के लिए जब आप के ए का एक्सप्रेशन यूज करते थे, तो के ए से आपको एच आइन पता चलता था या नहीं पता चलता था? यस सर, तो उसके लिए तो हम के ए की एक्सप्रेशन तो वो लिखते जो, थे ना। अब मेरी बात तो सुन ले बेटा, वो जो आप वहां से एच आइन की वैल्यू निकालते थे, के ए से एच आइन की जो वैल्यू निकालते थे, उसको किस फॉर्मूला में पुट करते थे कि पीएच आता था? पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस। जी बेटा, जो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है वो आंसर देना। आप जब के ए के एक्सप्रेशन से एच आइन की वैल्यू निकालते थे, तो वो एच आइन की वैल्यू किस फॉर्मूला में पुट करते थे बेटा? हाँ सर इसी में पुट करते हैं इसी में। पीएच। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल काम करेगा उस टाइम तक जब तक आपको एच आइन पता है। अगर आपको एच आइन पता है कि एच आइन वीक एसिड में कितने हैं, तो आप इसी फॉर्मूला में तो पुट करेंगे भाई। बस वीक एसिड में ये होता था कि वीक एसिड में आप एच आइन इक्वेशन को देख कर नहीं बता सकते ना, क्योंकि वहां पर कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हो रही। तो आप के ए का एक्सप्रेशन यूज करके आप एच आइन वैल्यू फाइंड आउट करते थे, और फिर एच आइन की वैल्यू को यहाँ पुट करते थे। तो यहाँ पर वीक एसिड हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच इज गिवन, पीएच गिवन है भाई। तो अब आपको एच आइन निकालना है, बस आप एच आइन यहाँ पर इस तरह करके निकाल लोगे, एंटी लॉग लो दोनों साइड पर, एंटी लॉग लो बेटा, तो आपके पास एच एन आ जाएगा। क्या आ रहा है, 1.0? तो -4। यस, 1.00 टाइम्स 10^-4। ये एच आयन की कंसेंट्रेशन है दोनों सॉल्यूशंस के अंदर, ठीक है। अब अगर किसी बच्चे के जहन में ये आ रहा है ना कि एचसीएल तो स्ट्रांग है,
फोर क्लोरोब्यूटानिक एसिड वीक है, दोनों के अंदर एच एन सेम कैसे? तो भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन भी तो हो सकता है ना एचसीएल का, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा एचसीएल का तभी एच एन कम है। अब आ जाएं कैलकुलेट द रेशियो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एचसीएल डिसॉल्व इन सॉल्यूशन वाटर। बेटा ये देखो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना उसके लिए तो बड़ा आसान है, कंप्लीटली आयोनाइज होता है ना भाई, तो एच आइन कितने हैं 1.00 टाइम्स 10 रेज टू पावर माइनस 4। तो बताओ एच सी एल कितना होगा भाई, एच आइन तो बताएं आपको एच सी एल वन टू वन रेस्ट यही होगा 1.0 टाइम्स 10 रेज टू पावर माइनस 4 वही होगा बिल्कुल। ये तो आपको पता चल गया क्या कि 1.00 टाइम्स 10 रेज टू पावर माइनस 4 इसका मसला है भाई। वो कह रहा है कि आप बताओ कि ये जो क्लोरो फोर क्लोरोब्यूटानोइक एसिड है ना ये आपने वाटर में कितना डिसॉल्व किया, एचसीएल का तो पता चल गया कि आपने 1.0 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 मोल्स एचसीएल के डिसॉल्व किए होंगे, ये कितना डिसॉल्व किया बेटा? के का एक्सप्रेशन उसने ऊपर ऐसे नहीं लिख पाया था, इसका कोई मकसद था। के ए का एक्सप्रेशन देखो, आपको पी के ए पता है ना, इस पी के ए से के ए निकालो, मैं आपको पहले स्टेप बताता हूँ, पी के ए से के ए निकालो यहाँ पुट करोगे, क्या आपको एच आइन पता है या नहीं पता? यस सर पता है, एच आइन पता है। तो अगर एच आइन पता है तो क्या फोर क्लोरो ब्यूटानोएट आइन भी पता होंगे या नहीं पता होंगे? यस सर वन टू वन रेशियो, एच आइन भी पता है आपको तो आपको फोर क्लोरो ब्यूटानोएट आइन के भी पता चल जाएंगे, के ए आप पी के ए से निकाल सकते हो, आपको ये चीज पता चल जाएगी बेटा कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड ये आपने निकालनी है और वहां पुट करना है। बेटा देखो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम पी के ए उसने कितना दिया हुआ है आपको 4.52, एंटी लॉग लेना है बेटा आपने, एंटी लॉग ले लो, शिफ्ट लॉग माइनस 4.52 ये आ जाएगा बेटा आपके पास के ए की वैल्यू 3.02 टाइम्स 10 रेज टू पावर माइनस 5, ये के ए आ गया ठीक है, एक्सप्रेशन ये था भाई। अब बेटा ये लिखो 3.02 टाइम्स 10 रेज टू पावर माइनस 5 ये कितना होगा भाई, एच आइन वो ऊपर निकाला हुआ है तो क्लोरोब्यूटानोएट भी इतना होगा 1.00 टाइम्स 10 रेज टू पावर माइनस 4 का स्क्वायर ले लेते हैं और यहां पर आपके पास ये अनआयोनाइज्ड एसिड की कंसेंट्रेशन आ जाएगी। ये बेटा आप निकाल लो यहां से, इसको उधर ले जाओ, Cl CH2 होल थ्राइस COOH ये आ जाएगा ऐसे 1.00 टाइम्स 10 रेज टू पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.02 टाइम्स 10 रेज टू पावर माइनस 5, इसको बेटा डिवाइड करो शाबाश आंसर आएगा 3.32 एक मिनट 0.302 क्या आ रहा है बेटा बताइएगा 3.31 × 10⁻⁴ ठीक है, रेशियो में आप देखो HCl की वैल्यू आ रही है 1.00 टाइम्स 10 रेज टू पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय इसकी आ रही है 3.31 टाइम्स 10 रेज टू पावर माइनस 4। तो ये बेटा आपने इस एसिड इज लिख दिया, दिस इज द आंसर, इस रेशियो से आपने डिसॉल्व करना है, ये इससे कट जाएगा तो 1:3.31। देखो बेटा इससे आपको एक कांसेप्ट समझ आना चाहिए, देखो इससे आपको एक कांसेप्ट समझ आना चाहिए, वो ये सर एक चीज नहीं समझ आई जी बेटा, सर ये जो इक्वेशन थी इक्विलिब्रियम वाली इसमें सॉल्ट भी तो एसिड भी तो 1:1 में है ना, तो हमने हाइड्रोजन आयन और सॉल्ट, फिर बोले मुझे आपकी आवाज नहीं आई बेटा, फिर बोले बेटा, फिर बोले मुझे आवाज नहीं आई थी आपकी, सर मैं ये कह रही हूँ कि जो इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन है ना उसमें एसिड और सॉल्ट भी तो 1:1 में है ना, तो हमने ऐसे क्यों नहीं किया, हम डायरेक्टली सॉल्ट से एसिड की कंसंट्रेशन निकाल लें,
सॉल्ट तो यहाँ है नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही आपके सॉल्ट किधर क्वेश्चन है। का सॉल्ट नहीं है इसमें, मैं यही सोच। आप वो ये जो इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन है ना सर, इसमें सॉल्ट की और एसिड की वन सॉल्ट नहीं है रेशो बेटा, वन देयर इज सर, नो सॉल्ट इन दिस इक्वेशन। कहां पर है सॉल्ट? ये दो एसिड्स सी डबल बोन ओ नेगेटिव सॉल्ट है ना, ये नहीं, इक्विलिब्रियम ये वाली इक्वेशन। नहीं बेटा, ये सॉल्ट नहीं है, नेगेटिव पार्ट ऑफ एसिड है। दिस इज नॉट सॉल्ट। सॉल्ट वो होता है जो सॉल्ट से आ रहा होता है। इस पूरे इक्विलिब्रियम में कहीं सॉल्ट नहीं है, ये एसिड है और ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। सॉल्ट उस ठीक वक्त है होता है अगर ये बफर होना था। यहाँ पर कोई बफर सोल्यूशन नहीं है। तो क्या उसने तो ये सर लिखा हुआ इस है? सॉल्ट क्या उसने ये की लिखा हुआ है? CH2 होल थ्राई COONa, ये लिखा हुआ है उस क्वेश्चन में? नहीं। तो सॉल्ट तो नहीं है ठीक यहाँ है, पर, एक तो एसिड और सर एक इस कॉन्जुगेट बेस और बेस है। अब एसिड आप की भी कॉन्जुगेट आपस में बेस पे वन किस पर रेशो क्वेश्चन वन है पूछें? ना। अब आप कॉन्जुगेट बेस का वर्ड यूज करके क्वेश्चन पूछें जी। ठीक तो सर जो कॉन्जुगेट बेस है और एसिड है, इन दोनों में भी तो वन रेशो वन है ना, तो हमने डायरेक्टली क्यों नहीं कंसेंट्रेशन इक्वल ले ली एसिड की कॉन्जुगेट बेस के से। लाइक लिए ना बेटा, एच पहले आयन हमने कितने एच थे? की ली है, फिर हमने इस फिर के नहीं, वन मल्टीप्लाई एक टेन बात रेस तो पावर ये माइनस है, फोर एक बात तो ये है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। आपको ये नहीं पता कि ये कितने परसेंट आयोनाइज हो रहा है? क्या आप ये कह रही हैं कि मैं इस एच आयन को इस एसिड से रिलेट करूं? हाँ बेटा, ये सर मैं यही कह रही नहीं तो ये एच आयन इस एसिड से कैसे रिलेट हो सकता है? ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये तो ये सर मैं बैकवर्ड यही फॉरवर्ड, कह तो रही हूँ। इसको रिलेट नहीं कर सकते या कर सकते हैं? बताएं जरा, एच आयन को इस एसिड से रिलेट कर सकते हैं? मैं यही पूछ रही हूँ सर, मुझे नहीं पता कर सकते हैं या नहीं, आप बताएं। अच्छा बेटा ये देखें, ये अगर HCl होता ना, HCl तो मैंने फौरन रिलेट कर दिया था कि HCl में एच आयन बने 1.00 × 10⁻⁴। तो HCl कितने होंगे? 1.00 × 10⁻⁴। कि मैंने कैसे रेशो बनाई बताएं? 1:1 रेशो थी, 1:1 रेशो थी जी। और 100% आयोनाइज हो रहा है। मुझे ये पता था कि अगर मैंने एक मोल लिया तो वो सारे का सारा आयोनाइज हो गया। वीक एसिड के केस में यही तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो ये कि वीक पार्शियल एसिड जो होता आयनाइजेशन है, हो रही यस, तो आपको क्या पता है कि है कितना आयोनाइज हुआ है? आपको अगर एच आयन पता चल गया, सपोज ये 1.0 × 10⁻⁴ है, ये तो नहीं पता ना आपने ये कितना लिया था स्टार्टिंग में? कौन जी बेटा, ये तो आपको नहीं भी पता होगा ना, क्योंकि ये 100% आयोनाइज थोड़ी हो रहा है। मे बी आपने ये लिया हो, मे बी आपने ये लिया हो 2 मोल्स, और 2 मोल्स में से सिर्फ इतना आयोनाइज हो रहा है। तो आपको क्या पता है भाई इसमें स्टार्टिंग कितना लिया आपने? जो एथेनोइक एसिड है, स्टार्टिंग कितना है ये आपको नहीं पता। लेकिन आप ये रेशो कब यूज करते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में। वीक एसिड के केस में ये रेशो यूज नहीं होती। अच्छा बेटा, अब ओके आगे आ सर। जाएं। सर ये है जी, जी सर वीक बेटा, एसिड का रिएक्शन, सर वीक एसिड का रिएक्शन हमेशा रिवर्सिबल होता है। बिल्कुल 100% रिवर्सिबल होगा। और आपको बफर सॉल्यूशन में ये बात बताई गई थी कि वीक एसिड ना होने के बराबर आयोनाइज होता है, ना होने के बराबर। हम तो उसकी आयोनाइजेशन को कंसिडर करते नहीं है, less than 1%। वीक एसिड कितने आयोनाइज होते हैं? less than 1%। ठीक है। ओके अच्छा बेटा, अब सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये बताएं, ये क्वेश्चन हुआ आप लोगों से या नहीं हुआ बेटा? जी सर, हो गया सर। इसका पार्ट सी हाँ नहीं समझ आ रहा ये सर, सर ये तो हुआ। आसान था, हो गया। आसान, ठीक है। बट आप लोगों ने मुझे फिर क्वेश्चन नहीं सेंड किए ना, बस मेरा ख्याल है कि आप लोगों से फिर सारे क्वेश्चन हो गए। सर इसका पार्ट सी नहीं हुआ था मुझसे। पार्ट सी नहीं हुआ? सब अच्छा, पार्ट वो बी कह रहे भी थे करा दे बेटा, एक बारी। वो ये कह रहे हैं बेटा कि आपके पास ये जो बफर है ना, क्या कह रहे हैं बेटा? सब पार्ट बी भी करा दे। अच्छा बेटा, बेटा देखिए, इसमें ये कह रहा है कि आपने एक बफर सॉल्यूशन जिसकी pH 5 है वो बनाना है बाय एडिंग, आपने 5 pH का बफर बनाना है
by adding some salt, ये salt है, ये salt आप add करेंगे to 5 gram of propanoic acid. Acid आपको पता है, acid is given, कितना 5 gram. Salt आपको नहीं पता. कह रहे जी आपने एक buffer बनाना है 100 cubic centimeter water में, उसमें acid कितना add कर रहे हो 5 gram, salt कितना add कर रहे हो कोई पता नहीं है, लेकिन pH कितनी बनेगी 5. बताओ कितना salt add किया जाए, कितना salt उसमें add किया जाए ताकि pH 5 वाला buffer बने in 100 cubic centimeter water. अगेन आपको मैं पहले इसका इक्वेशन लिख कर देता हूं, उससे बड़ी आसानी हो जाती है. ये है जी प्रोपानोइक एसिड CH3CH2COOH, ये वीक एसिड है, पार्शियली आयोनाइज होगा, माइनस एच प्लस. सर ये फॉर्मूला खुद बनाना होगा? अरे आप अभी ऑर्गेनिक करेंगे ना, ये तो फॉर्मूला ओ लेवल्स में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये तो मुश्किल चीज नहीं है. ये तो ओ लेवल्स में आप लोग पढ़ के आए ना, एथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, ये तो जहरी बात आपको आना चाहिए. अब देखिए ये है जी आपका बफर, इसमें दिस इज द सॉल्ट. सॉल्ट अब मैं क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ कि दिस इज कमिंग फ्रॉम सॉल्ट, ये नेगेटिव पार्ट सॉल्ट से आ रहा है. तो के का एक्सप्रेशन ये होगा फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, आप लिखते हैं के एक एक्सप्रेशन CH3CH2COO-H+ डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ CH3CH2COOH. ये देखें ये बफर का इक्वेशन हम ये बनाते आए. अब के ए गिवन है या नहीं गिवन भाई, बताओ. गिवन है, गिवन है, के ए गिवन है. और आपने बेटा एच, के ए गिवन है, मैं ठीक कर रहा हूँ, एच आइन गिवन है या नहीं, निकाल सकते हैं ना आप, पी एच गिवन है तो एच आइन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? बेटा ये एसिड के मैस भी गिवन है, मोल और कंसेंट्रेशन निकल आएगी ना. यस सर. बोलो. तो ये तीनों चीजें जब गिवन है तो ये सॉल्ट आप बड़े आसानी से भी निकालेंगे. तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि पीएच को एच आइन में चेंज करते हैं. पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन. पीएच देखो यहां पर आ रही है जी कितनी, वो कह रहा है 5. बड़ा एंटी लॉग लो तो एच आइन जल्दी से निकाल लो, क्या आ रहा है जी एच आइन का आंसर? 1 × 10⁻⁵. 1.00 times 10⁻⁵. ये भी आ गया, के ए भी गिवन है. बड़ा जल्दी से हम एसिड जो है ना, एसिड की जरा कंसेंट्रेशन निकाल लेते हैं. कैसे निकालेंगे देखो, मोल्स पहले मोल्स निकालो. प्रोपानोइक एसिड कितने ग्राम है? 5. इसका एम आर गिवन है 74. तो मोल्स ऑफ प्रोपानोइक एसिड 5 डिवाइडेड बाय 74. क्या आंसर आ रहा है? 0.068 मोल्स. 0.068. ठीक है. 5 divided by 7. अच्छा बेटा अब देखें आपके पास मोल्स आ गई, ये मोल्स कितने वॉल्यूम में हैं बताएं? 100 cubic centimeter. अच्छा कोई बच्चा मुझे ये बताए कि तो बफर का हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें टोटल वॉल्यूम कितना है? 1000. 100 है टोटल वॉल्यूम, कितना है? 100. तो बेटा आपको एक बात बता दूं, लेकिन मैं वो शॉर्टकट नहीं करूंगा, जब वॉल्यूम एक जितना हो ना, टोटल वॉल्यूम एक है, मतलब क्या वॉल्यूम एक है, एसिड का भी वॉल्यूम वही है और सॉल्ट का भी वही है. ये जो एसिड है ये कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व है बोलो? 100. और सॉल्ट कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व है? 100. जब दोनों का वॉल्यूम सेम हो ना, तो जो मोल्स 100 में आ रहे होंगे 1000 में भी वही होंगे, मुझे बताएं ऐसे नहीं होगा. अब ये जो मोल्स आ रहे हैं ये 100 में आ रहे हैं, क्या 1000 में भी मोल्स रेशियो सेम रहेगी? तो आप अगर वॉल्यूम अगर सेम हो, अगर वॉल्यूम सेम हो जिस तरह की यहाँ पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है फॉर एसिड एंड फॉर सॉल्ट, तो जो मोल्स होते हैं ना बेटा वही आपकी कंसेंट्रेशन होती है. लेकिन आप अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो आप कंसेंट्रेशन निकालें, आप देखेंगे आंसर सेम आएगा. कोई कोई बच्चा इसी
इसी मोल को डायरेक्ट यूज करके आंसर निकाल लें, उसका भी सेम आएगा, और हम एक स्टेप एक्स्ट्रा करेंगे फिर भी सेम आएगा। अच्छा ये मोल्स आ रहे हैं बेटा कितने में, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती है ना बेटा, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि मोल्स इन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये मोल्स एसिड के कितने में आ रहे हैं बताओ, 100 में आ रहे हैं, तो हम 1000 में निकालते हैं। ये लोग 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में मोल्स आ रहे हैं 0.068, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में मोल्स कितने आएंगे x, 0.68, x is equal to 1000 times 0.068 divided by 100। ये इसलिए कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को बेटा समझ आ जाए कि सेम एक कोई वो नहीं होता, आंसर सेम आता है, लेकिन चलें 0.68। ये आपके पास आ गया जी कंसंट्रेशन एसिड की, आ गई एसिड की कंसंट्रेशन आ गई है, क्योंकि मोल्स जब भी मोल्स 1000 में निकलेंगे ना बेटा, जब भी मोल्स 1000 में निकलेंगे वो कंसंट्रेशन होती है 0.68। अब आप क्या करो, Ka is given, H ion is given, एसिड की कंसंट्रेशन गिवन, वैल्यूज पुट करो। Ka की वैल्यू क्या है भाई, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं, 1.35 times 10 raised to power minus 5 is equal to, salt आपको नहीं पता भाई, salt ऐसे ही लिखो, H ion कितना है ये नीचे निकाला हुआ है, 1.0 times 10 raised to power minus 5 divided by 0.68, तो 1.35 times 10 raised to power minus 5 times 0.68 divided by 1.0 times 10 raised to power minus 5, बेटा इसको सॉल्व कीजिएगा जल्दी से, 9.18 into 10 raised to power minus 11। ब्रेक दे दोबारा कर ले, 0.918 क्या आ रहा बेटा, 0.918 ये आपके पास मोल्स आ रहे हैं, ठीक है, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, राइट, मोल्स ये इस यूनिट में आ रहा है या नहीं आ रहा बोलिएगा सर। इसका मतलब समझ लें जी सर कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में इतने मोल्स हैं, 0.918 times 88 आ रहा है बेटा, सही कैलकुलेशन करें ना, 88.128 ग्राम्स। अब मेरी बात सुनिएगा, ये तो बहुत ज्यादा है भाई, तो आप कहेंगे सर पीछे मार्क्स स्कीम में तो ये नहीं आ रहा, मार्क्स स्कीम में आ रहा होगा 8.8 समथिंग, तो ये क्यों है भाई, कौन बच्चा बताएगा 88 मेरा आंसर क्यों आ रहा है, पीछे 8.8 है, तो रीजन ये है, ये आप 1000 में कैलकुलेट किया ना, 100 में आपने 1000 में बताया, हमने ये ग्राम में कन्वर्ट करना है इसको, नहीं भाई ये आप जो मैथ बता रहे हो कितने वॉल्यूम में बता रहे हो बताओ, 1000 में, 1000 में हमें 100 में बोलना है, हमने 100 में निकालना है, वो कह रहे हैं 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में बताओ। देखो ये जो आपने सॉल्ट यहाँ पर बेटा निकाला था, इसकी यूनिट क्या बताई थी, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, के 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में इतने मोल आ रहे हैं, तो हम तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के साथ काम कर रहे हैं ना, तो इन मोल्स को मैस में चेंज किया, तो ये मैस इन 1000 है, आपको बेटा बताना है 100 में, तो रेशो दोबारा बनानी पड़ेगी, इसलिए काफी लंबा काम हुआ ये, अगर आप ये काम ना करते ना यहाँ पर 100 को ही लेके चलते तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाना था, ठीक है, लेकिन चले ठीक है, आप इससे गलती कम से कम नहीं करेंगे। 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में 88.128 ग्राम्स आ रहे हैं, तो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने आएंगे, x आएंगे, यहां से बेटा आपका आंसर आ जाएगा 8.8 ग्राम्स। अच्छा कह रहे कि सम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज मिक्स विद अ स्मॉल सैंपल ऑफ बफर सॉल्यूशन, भाई बफर सॉल्यूशन की जरा डेफिनेशन बताएं क्या होती है, बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या,
सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड. मतलब बफर उस वक्त काम करता है कि जब बफर ज्यादा हो और उसमें थोड़ा एसिड ऐड किया जाए. यहाँ उल्टा काम कर रहा है, थोड़ा सा बफर लिया है उसमें एसिड अच्छा खासा डाल दिए. सम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज मिक्स विद स्मॉल बफर सॉल्यूशन. तो भाई अगर आपने थोड़ा बफर लिया है और उसमें एसिड ज्यादा डाल रहे हो तो क्या बफर सारा यूज नहीं हो जाएगा? और जो आप एक्स्ट्रा एसिड डाल रहे हो वो तो एच आई एन के फॉर्म में पड़ा रहेगा. देखो इस तरह है, ये थोड़ा थोड़ा बफर था ना, ये था आपका स्मॉल बफर. स्मॉल बफर है ये, आपने इसमें ज्यादा एसिड डाला है, मोर एसिड मोर एच आइन. तो जब ज्यादा एच आइन डालोगे एक तो ये सारा खत्म हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा एच आइन डाल रहे हो वो क्या करेगा? वो तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, सोल्यूशन में बैठ जाएगा जाकर, और पीएच चेंज हो जाएगी, पीएच चेंज हो जाएगी. ठीक है, आप जब बेटा ज्यादा एच आइन डालोगे, ज्यादा एच आइन आप जब डालोगे तो ये एथनोएट आयन तो सारा खत्म हो गया ना, क्योंकि स्मॉल बफर लिया हुआ है. इसलिए आपको यहाँ पर बड़े ध्यान से आंसर देना है कि सम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज मिक्स विद स्मॉल सैंपल ऑफ बफर सॉल्यूशन डिस्क्राइब्ड इन बी, द फाइनल पीएच ऑफ द रिएक्शन इज क्लोज टू 1, एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन. बट आपने ये बताना है कि ऑल द सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी ऑल द प्रोपानोएट आयन्स, ऑल द प्रोपानोएट आयन्स आर प्रोटोनेटेड. देखो CH3, CH2, COO-, इसमें एच आइन डाला तो क्या हुआ? CH3, CH2, COOH, ये प्रोटोनेटेड हो गया जी. ऑल द सोडियम प्रोपानोएट हैज बीन प्रोटोनेटेड. अच्छा ये प्रोटोनेट हो गए, ये सारे हो गए खत्म, और आप अभी ऊपर से ना मजीद एच आइन डालते जा रहे हो. भाई ये तो खत्म हो गए और आपने मजीद एच आइन डाल दिए, तो ये एच आइन क्या करेंगे आप? pH को कम करेंगे तो आपके एच आइन एक्सेस में आ गए भाई. इसलिए ये जो है ना, इसलिए जो आपकी ये पीएच है ये 1 पे चली गई है. एच आइन आपके एक्सेस में चले गए हैं, इसकी वजह से पीएच 1 होगी. ठीक है भाई? यस सर. बेटा अब इतना करें, मेरा ख्याल है मेरी भी बस होगी, हमने कल स्कूल भी जाना है, तो हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं. और आप इसको भी दोबारा करें भाई, इसकी प्रैक्टिस दोबारा करें. कुछ अभी तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ मैंने आपको साथ साथ करवाए थे, तो हम नेक्स्ट वीक एक और क्लास रख के दोबारा इस वर्कशीट को कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे. आप एक वीक लें और देखें कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहे. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.